नमस्ते मैं सब्जी, फिर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के बारे में, किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने व्यूज सब्सक्राइबर जो बढ़ा सकते हैं और साथ साथ जो है पैसा भी कमा सकते हैं। सो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। अब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े बैनर ने अपनी एक लेटेस्ट मूवी का ट्रेलर डाल दिया यूट्यूब पर, ठीक है। अब वो बैनर क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी मूवी का ट्रेलर जो है पहुंच जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस मूवी को देखने हैं। तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा, जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, एडवांस जो ऑप्शन होती है, लास्ट वो सेक्शन होता है, उसमें एक ऑप्शन होती है लाइसेंस, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस या क्रिएटिव कॉमन्स। तो वहाँ पर जो है, अगर वो बैनर जो है वो क्रिएटिव कॉमन्स इसलिए कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ट्रेलर को डाउनलोड करें, एडिट करें और अपने चैनल पर अपलोड करें। हालांकि 70-80% जो है बैनर ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि हमारे जो हमारा बैनर है, जो हमारा जो, क्योंकि उन्हें यही होता है कि हमारे चैनल के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे ट्रेलर को देख पाएँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनके आज तक जो है वो क्रिएटिव कॉमन्स जो है लाइसेंस दिए गए हैं और बहुत लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा भी जो है लिया है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर अब कोई बैनर जो है अगर अपलोड करता है अपने ट्रेलर को और वहाँ पर दे देता है क्रिएटिव कॉमन जो है लाइसेंस को कि आप उस ट्रेलर को जो है या किसी मूवी को जो है यूज़ कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर आती हैं और उनके जो ओनर्स हैं वो परमिशन देते हैं कि यस, आप इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद, थोड़ा बहुत एडिट करने के बाद यूट्यूब पर जो है अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं 2016 की बात करूं तो उस टाइम पर क्या था कि वहां पर जो है यूट्यूब का जो एडिटर हुआ करता था, उसी में आपको वीडियो को एडिट करना पड़ता था। लेकिन अभी 2017 में उस एडिटर को बंद कर दिया गया था, तो अब जो है आप उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद, एडिट करने के बाद अपलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको देना होता है क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस। एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी इस वीडियो को जो है क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर रखा है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अपने चैनल पर अपलोड करोगे मेरी वीडियो को तो आपको वहां पर, तो आप जो है वहां पर यूट्यूब जो है स्टैंडर्ड लाइसेंस दे देते हैं, तो वहां पर आपको भी जो है मेरी तरह क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ही जो है देना पड़ेगा। आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं और उसे जो है अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत बहुत ही ज़्यादा कम होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके बाद जो है आप उस वीडियो को जो है अपने चैनल पर अपलोड करने के बाद अच्छे खासे व्यूज़ और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया और वहाँ पर मैंने अपना लाइसेंस दिया है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। अब एक बंदा मेरी वीडियो को डाउनलोड करता है, अपने चैनल पर अपलोड कर देता है और वहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस जो है वो शो कर देता है, क्योंकि उसे लगेगा कि शायद, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली लोगों को ये नहीं है कि कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो क्रिएटिव कॉमन्स को जो है वो गलत तरीके से ले लेते हैं। अब उसने मेरी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया, अब मैंने तो भाई परमिशन तो नहीं दी थी ना, तो वो अगर आपको परमिशन दे रहा है और अगर गलती से अगर मैं कोई बैनर हूँ, अगर मैं देख लेता हूँ कि यार ये तो मेरी वीडियो है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस मेरे इस वीडियो पर था, तो ये क्रिएटिव कॉमन्स में क्यों डाल रहा है, तो उस वीडियो को देखकर और लोग जो है डाउनलोड कर रहे हैं, तो उन लोगों ने एक्चुअली में ये नहीं देखा कि उस वीडियो का एक्चुअली में मालिक कौन था, वो किसने वीडियो अपलोड किया, किसका कंटेंट था। और आप अगर उस वीडियो को जो है अपलोड करते हैं तो फिर आपको स्ट्राइक मिल सकती है, लेकिन जिस ओनर ने जो है दिया था, वीडियो को अपलोड किया था, अगर आप उसके चैनल पर जाकर देखते हैं कि यस, अगर इसने परमिशन दे रखी है, तो उसके जो है उसके बाद जो है आप क्रिएटिव कॉमन्स में जो है उस वीडियो को यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ये जो है एक यूट्यूब के लीगल प्रोग्राम के अंडर आता है, तो यहाँ पर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके ओनर ने क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस दिया है तो आप जो है उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, व्यूज़ भी ले सकते हैं और सब्सक्राइबर जो है वहाँ से ले सकते हैं। सो यहाँ पर जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है आप क्रिएटिव कॉमन्स की जो वीडियोस होती हैं उन्हें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो चलिए मेरे पीसी में चलते हैं और वहाँ पर जाकर मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि किस तरह से आप जो है यूट्यूब पर ये सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो जो है वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर जो है आती हैं। चलिए यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब को। यूट्यूब पर जाने के बाद हम सर्च करेंगे हाउ टू मेक रोटी। चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ हाउ टू मेक रोटी। रोटी सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें काफ़ी सारी वीडियोस जो है देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बॉलीवुड ट्रेलर सर्च क्यों नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी वहाँ पर थंबनेल जो है वो देखने को मिलते हैं वो मतलब मेरी ऑडियंस को दिखाने लायक नहीं थे, इसलिए मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्च किया रोटी। तो आप समझ सकते हैं आप ट्रेलर्स को भी अपने हिसाब से जो है सर्च करने के बाद वहाँ पर जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली वीडियो जो है देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया हाउ टू मेक रोटी। अब मुझे यहाँ पर वीडियो चाहिए जो क्रिएटिव कॉमन्स जिसके ऑनर ने लाइसेंस दे वहाँ पर दे रखा है। चलिए मैं यहाँ पर फिल्टर पर जाता हूँ। फिल्टर पर जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ क्रिएटिव कॉमन्स, यानी कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएटिव कॉमन पर और यहाँ पर देख सकते हैं हमें काफ़ी सारी वीडियो जो है वो क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर जो आती हैं या जिनके ओनर ने, चैनल ओनर ने जो है इसकी परमिशन दे रखी है, तो वो जो है वीडियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ। चलिए मैं इस वीडियो को कर देता हूँ यहाँ पर पाउस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कुकिंग चैनल है। तो यहाँ पर इन्होंने लाइसेंस दे रखा है यहाँ पर
क्रिएटिव कॉमन्स का, यानी कि री यूज़ अलाउड, जो क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर जो लाइसेंस आता है वो री यूज़ आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद जिस भी वीडियो को जो है फॉर एग्जांपल आप यूज़ करना चाहते हैं, जिसने लाइसेंस के लिए आपको जो है परमिशन दे रखी है, आप वहाँ पर थोड़ा बहुत म्यूज़िक ज़रूर मिक्स करें। ये नहीं है कि किसी का कॉन्टेंट ऐसे डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया, थोड़ा बहुत वहाँ पर जो है मेहनत ज़रूर करें वीडियो पर। कुछ म्यूज़िक अगर आप अच्छा देना चाहते हैं, कुछ जो बढ़िया कुछ आप उस वीडियो में लगाना चाहते हैं, तो आप जो है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। कि उस ऐसा नहीं है कि उस कंटेंट को डाउनलोड किया अपलोड कर दिया, थोड़ा बहुत फॉर एग्जांपल वहां पर जरूर मिक्स कीजिए। दूसरी सबसे मेन चीज ये जरूर ध्यान में रखें, ये नहीं है कि अब मान लीजिए जिनका ये चैनल है तो इन्होंने मान लीजिए जब यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइसेंस दिया है, यहाँ पर यानी कि YouTube स्टैंडर्ड लाइसेंस यूज़ किया है, और इनकी वीडियो को कोई दूसरा चैनल अपलोड कर देता है अपने चैनल पर, वहाँ पर जो है क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस दे देता है, तो इससे क्या है कि अब अगर इन्होंने स्टैंडर्ड जो है YouTube लाइसेंस दिया है और इसे कोई डाउनलोड करने के बाद उस वीडियो पर क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस दे देता है, तो ये चैनल की ओनर जो है ये आपको वहाँ पर स्ट्राइक दे सकती हैं, क्योंकि इन्होंने परमिशन नहीं दी है, किसी और ने इनकी वीडियो को अपलोड करके या किसी और ने इनकी वीडियो को डाउनलोड करके अगर परमिशन दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जिन्होंने लाइसेंस दिया है क्या ये उनकी ही वीडियोज़ हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर चैनल पर सर्च करता हूँ और यहाँ पर वीडियोज़ पर हम जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी थंबनेल यहाँ पर हमें इन्हीं के देखने को मिल रहे हैं। तो यस, ये इन्हीं का जो है चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में यह इस चैनल की ओनर है। तो इस तरह से जो है आप अगर आप किसी मूवी का ट्रेलर डाउनलोड करते हैं और उससे अपने चैनल पर अपलोड करते हैं क्रिएटिव कॉमन्स देखने के बाद, ये ज़रूर ध्यान दीजिए उस चैनल का जो प्रोडक्शन हाउस है, जो उनका मेन चैनल है, चाहे मैं टी सीरीज़ की बात करूँ, किसी भी सारे गामा की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर उनके चैनल पर जाकर देखें कि क्या उन्होंने सच्ची में इस चीज़ का क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस दे रखा है। ये तो नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर यूट्यूब का जो स्टैंडर्ड लाइसेंस दिया है और कोई मेरे जैसा उस वीडियो को डाउनलोड करता है और अपने चैनल पर अपलोड करता है और बोलता है कि क्रिएटिव कॉमन्स है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर उसका ओनर परमिशन देता है फिर ही आप जो है क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर जो है उस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा उस चैनल पर जाने के बाद कि क्या ये एक्चुअल में उस वीडियो का मालिक है। ये तो नहीं है कि उसने किसी चैनल से जो है अपलोड किया, अपने चैनल पर डाल दिया और बोला कि ये क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर आता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये ना हो कि किसी और का वीडियो और दूसरे ने उसे डाउनलोड किया, अपलोड किया और क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर डाल दिया, इससे आपको स्ट्राइक मिल सकती है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई यूट्यूबर इस चीज़ को लेकर गलती ना हो। अगर आपकी गलती इस चीज़ को लेकर अगर आप गलती कर बैठते हैं तो आपको मिल जाएगी कॉपीराइट स्ट्राइक, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने के बाद आपके चैनल को क्या क्या भुगतना जो है वो पड़ सकता है। तो फाइनली गाइस, आई थिंक जो मैं बताना चाहता था वो आप लोग समझ चुके होंगे। सो अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे।